कहाँ से शुरू करे, अंत अभी करना नहीं है। तो सोचती हूँ कि थोड़ा रणनीतियों से ही चर्चा कर, क्योंकि आंदोलन जो होता है वो रणनीति से चलती है, सीधे भावना से नहीं होती। आज हम जल्दी 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 तैयार हो रहे थे और अपने पतिदेव महा को कह रहे थे कि कहाँ है, कह रहे हैं कि अरे आ रहे हैं, नन बेलेबुल सेक्शन न लगा हुआ है, रुको ना, कहाँ जा रही हो। जिला स्कूल में एगो तो वहाँ जूझी रहे हैं, ऊपर से तुम भी जा रही हो FIR करवाने के लिए। हम कहे कि FIR मैं मांग की सिंदूर की तरह अगर शांत रहना जानती हूँ तो इन चूड़ियों की तरह खनकना भी जानती हूँ। ये बात आप सुन लीजिए, जल्दी आइए, अभी हम बाल नहीं बांधे हैं। सोचा कि थोड़ा बाल बांध लेते हैं, कहा कि ना, अब तो अब लंका कांड शुरू हो रहा है, मैं तब तक बाल नहीं बांधूंगी जब तक हमें सम्मान नहीं मिलता। फिर सोचा कि अरे ये तो महाभारत का युद्ध अभी नहीं, अभी बाल को बांध के ही रखने में ठीक। तो अभी बाल बांध करके ही चलने में ठीक है, क्योंकि अभी शालीनता का परिचय देते हुए आंदोलन करना है। हमारे 15 व्यक्ति पर FIR हो गया। क्यों हुआ पता है? घर को ही आग लग गए घर के चिराग से। BSTA के सदस्य हैं, आंदोलन में नहीं जाइएगा तो कहाँ जाइएगा, वहां से चिट्ठी निर्गत कीजिएगा, हमारे दोस्तों को डराइएगा कि लेटरवा ले लीजिए, नहीं तो नौकरी चली जाएगी। नौकरी है कहाँ की जाएगी, नौकरी है कहाँ की जाएगी, नौकरी आपको है, डर आपको है, जहाँ से लाए हैं वहाँ चिट्ठी वापस कीजिए, हम लोग नहीं लेने वाले। अगर ज्यादा कीजिएगा तो अभी अभी नरेंद्र मोदी सर्जिकल स्ट्राइक करके बताए हैं, समय आने पर हम आपका सर्जिकल स्ट्राइक भी कर देंगे। तो मित्रों आप लोग पता लगाइए, हम तो अपना सब करके आए, हम अपना सब व्यवस्था करके आए हैं, जहां हम हैं वहां हमारे प्रभारी हमारे बलबूते पर है, न कि अपने बलबूते पर है। कह दिया कि सुनिए सीमा जी, ये मोटी मोटी जो मैडम है, ये मोटी मोटी जो मैडम है, वहाँ एक और मोटी मोटी मैडम है, यहाँ बहुत खापी के मैडम लोग हैं, जमाना अब महिलाओं का है, पुरुष में उतना दम नहीं है, पीछे पीछे रहना होगा। और मैं जिला अधिकारियों को कहती हूँ कि दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया और देखेंगे, पुरुषों पे FIR करते हो, जरा महिलाओं पे करके देखो ना, जरा अपनी बीवी तो संभलती नहीं, आए हैं यहाँ FIR करने की, चिट्ठी नहीं निकालोगे तो FIR कर देंगे, अरे तुम्हारे दम, तुम में दम है तो आकर के हम कलेक्ट्रेट में बैठे हुए हैं, भाषण दे रहे हैं, दम है तो हाथ में हथकड़ी लगा करके देखो, नीतीश कुमार को भी पता चल जाएगा। महिला उत्थान कर रहे हैं, इधर महिला को हथकड़ी लगवाने के लिए तैयार। अब मैं आ रही हूँ उस मुख्यमंत्री पर जिसकी अब दुर्दशा होने वाली है, सर्जिकल स्ट्राइक हो रही है। आप लोग देखे होइएगा, बहुत लोग यहाँ साइकोलॉजी भी पढ़े होंगे, आप लोग चेहरा उस कलुषित बेईमान का देखा होगा, बहुत अंदर से भयभीत डरा हुआ कि अब हम किधर जाएंगे, उधर से भागे तो इधर आए हैं, अब इधर से हम किधर जाएंगे, अब मेरे लिए कहीं कोई जगह नहीं है,
इसलिए हमको बड़ा हिचक हिचक के बोलना है। बार बार बोले जा रहे थे लेकिन दुबक दुबक के बोल रहे थे। ऐ डरपोक मुख्यमंत्री, इतना डरपोक मुख्यमंत्री है जो हम क्या बताएं। हम सभी जानते हैं उससे डरने की जरूरत नहीं है। हम लोगों को दुख अपने भाइयों और बहनों से है जो विद्यालय खोल करके वहां से चलान कटवा रहे और उसी के कारण हमारा FIR भी हो रहा है। हमारे जिला अध्यक्ष और जिला सचिव महोदय, हमारे क्रांतिकारी भाइयों पर वहां अत्याचार हुआ है, जो गलत है फंसाया गया है, फंसाया गया है। एक सोची समझी वहां रचाई गई रणनीति के तहत उन पर FIR किया गया है और नॉन वेलेबल सेक्शन लगा करके वो तो आएंगे, बेल होगा ही, वो आएंगे ही, लेकिन हमारे बीच के जो शिक्षक जो नहीं आ रहे हैं वो कहां जाए। छह से हमने उनको उनके अधीन रहा है, उनके साथ काम किया है, तमाम गजलें सुनती रही उनकी, हमने एक शेर सुनाया तो बुरा मान लिया। सारी ताकत लगा दी, डीओ साहब की मीटिंग है हुई है, जा रहे हैं, पत्र देखिए, ई लाइए, ऐसे लाइए, वैसे कीजिए, सब करके दिया। आज जब कहा कि सर आंदोलन में चलिए तो वहां से चलान काट, ये कौन सी। तो मैं वैसे शिक्षकों से, शिक्षिकाओं से करबद्ध प्रार्थना करती हूँ, हाथ जोड़ के कहती हूँ कि आप लोग पहले उनका सर्जिकल स्ट्राइक कर दीजिए, बाद में जो होगा देखा जाएगा। और कुछ नहीं होगा, डरा हुआ व्यक्ति हमेशा डरा रहता है, वो मुर्दा है और मुर्दा कभी जिंदा नहीं होता।